हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज का जो सारा क्वेश्चन है वो हमने डीसी मोटर से लिया है, 8वां टेस्ट है और सारा क्वेश्चन जो है डीसी मोटर का है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, बढ़ते हुए भार के साथ डीसी सेंट मोटर की गति क्या होगा? मामूली कमी होगा, अनुपातिक होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर मामूली वृद्धि होगा? ये आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने और चंद्रशेखर का आंसर मामूली कमी, ठीक है। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर है ए स्पीड और यहाँ पर लोड, ठीक है। यहाँ पर करंट लोड अगर बढ़ाएंगे तो आई का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम शंट की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं ए हमारा कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और अगर हम बात करें शंट का तो ये थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, इसका जो स्पीड होता है बिल्कुल थोड़ा सा डिक्रीज करता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है शंट का। इसके अलावा कम्यूटेटिव और जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसके बारे में, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला का जो आंसर होगा वो हम लोग को यहाँ से मिल जा रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, मामूली कमी आएगी इसमें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला का जो आंसर हो जाएगा ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आज खासकर जो हम लोग को देखना है मेनली वो देखना है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड, इन दोनों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। काफी सारा क्वेश्चन जो था, मतलब करीब 5 या 6 क्वेश्चन हमको मिला जो बुक में गलत दिया हुआ था, तो उसको थोड़ा सा रीजन के साथ समझेंगे उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आगे जा करके ये सारा क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर पहला गलत क्वेश्चन, ठीक है, जिसका जो आंसर दिया हुआ है वो सही नहीं है। ऐसा इकाई ऑफ डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई है। ऐसा इकाई में, ठीक है, डीसी मोटर का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब कि टॉर्क का इकाई क्या होगा? किलोग्राम मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, जूल या फिर न्यूटन प्रति मीटर? आप लोगों को आंसर देना है 2 नंबर, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से हटकर कुछ देना चाहते हैं तो फिर दे सकते हैं। ऑप्शन तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 अवेलेबल है, 2 का और चंद्रशेखर का बी आ रहा है, न्यूटन सेंटीमीटर। अगर हटकर कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या है? व्यास प्रमाण का बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर। फोर्स बल आघूर्ण होता है क्या है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर और इसका न्यूटन, तो न्यूटन मीटर। हालांकि जो जूल है, जूल का भी जो यूनिट अगर हम देखें, हालांकि ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट जूल है, लेकिन इसको भी हम लोग मेजर करते हैं, जो इसका डायमेंशन होता है वो न्यूटन मीटर ही होता है, पर इसको हम लोग जूल से ही मतलब संबोधित करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर और जूल दोनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी का न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर टॉर्क का पूछे तो टॉर्क का हम लोग ऐसा यूनिट जूल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो न्यूटन मीटर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा और जान लेते हैं बल आघूर्ण के बारे में। तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। बल आघूर्ण 3 राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है, बल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साथ में एंगल, ठीक है। ए एक सदिश राशि है, यहाँ पर ए एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर होगा। और थोड़ा सा जूल के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जूल, जूल है क्या? जूल इज इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर या फिर वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट, ठीक है। 1 न्यूटन जब फोर्स लगा करके हम किसी वस्तु को डिस्प्लेस कर करके, ठीक है, या फिर 1 मीटर जब डिस्प्लेस करते हैं किसी वस्तु को 1 न्यूटन फोर्स लगा करके, तो जो हम लोग को वर्क होता है उसी को हम लोग न्यूटन मीटर बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग जूल, 1 जूल बोलते हैं। तो जूल जो हमारा यूनिट जो होता है वो एनर्जी का या फिर वर्क डन का हो जाता है। जूल इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है, इसके नाम पर, इसका नाम पर है। तो जूल और न्यूटन मीटर डायमेंशन दोनों का सेम है, पर दोनों अलग अलग चीज के लिए यूज होता है। द एसआई यूनिट फॉर टॉर्क इज द न्यूटन मीटर, टॉर्क का जो एसआई यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा, व्हिच वर्क आउट अलजेब्रिकली टू हैव द सेम डायमेंशन, डायमेंशन इसका सेम है किसके साथ? जूल के साथ, जूल के साथ इसका जो डायमेंशन है वो सेम है। बट ए, लेकिन ए इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग टॉर्क के जगह पर जूल लिख दे और एनर्जी के जगह पर न्यूटन मीटर, ठीक है। हालांकि एनर्जी को न्यूटन मीटर लिख भी सकते हैं, एनर्जी का जो यूनिट होगा इसको न्यूटन मीटर या फिर जूल लिख सकते हैं, पर जूल हम लोग टॉर्क के लिए यूज नहीं करेंगे। द सीजेपीएम हैज गिवन द यूनिट ऑफ एनर्जी द नेम जूल,
बट हैव नॉट गिवन द यूनिट ऑफ टॉर्क एनी स्पेशल नेम. टॉर्क के लिए ऐसा कोई नेम उन्होंने नहीं दिया है. CGPM जो इंटरनेशनल संगठन है वो ऐसा कोई नाम टॉर्क के लिए नहीं दिया है. ठीक है. द यूज ऑफ न्यूटन मीटर फॉर टॉर्क एंड जूल फॉर एनर्जी इज हेल्पफुल टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का तो सेम आ रहा है डायमेंशन, पर यहाँ पर जो कम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, न्यूटन मीटर रख दिए हैं टॉर्क का और जूल रख दिए हैं एनर्जी का. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना है. इसके अलावा जो एनर्जी होता है डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है. एनर्जी जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. लेकिन अगर हम बात करें टॉर्क का तो एक क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है. टॉर्क जो हमारा होगा वो हो जाएगा फोर्स अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. इसके बाद आते हैं, ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है और नीचे ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कोर की प्रतिबंधी समानता इससे होती है, कोर की प्रतिबंधी या फिर लेमिनेशन हम लोग किस चीज से करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है. चंद्रशेखर का बाद में आंसर न्यूटन मीटर आया था क्वेश्चन नंबर टू का. अब प्रदीप पाल आप क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया कीजिए. चंद्रशेखर का थ्री का बी आया है, आई थिंक थ्री का सबका सही होना चाहिए. ठीक है. सिलिकॉन इस्पात का होता है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है. तो पिछला बार जब जनरेटर का हम लोग देख रहे थे तो वहां पर भी बैक ईएमएफ काफी बार देख चुके थे. बैक ईएमएफ के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा क्या होगा, आई थिंक सबको याद हो गया होगा अब तक, 5PN by 60 into Z by A. जेड कंडक्टर है, यहाँ पर ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है. आर चंद्रशेखर का आंसर ए आ रहा है, फील्ड फ्लक्स. सुधीर मौर्य का भी ए आ चुका है, सारे लोगों का सही होना चाहिए. फील्ड फ्लक्स फाइ यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं और कम्यूटेटर से इसका कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर पोल है और यहाँ पर स्पीड है, तो कंडक्टर की आकृति और कम्यूटेटर ब्रश इन सारी चीजों से इसको कोई मतलब नहीं है. ए इसका सही आंसर होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प क्या है. ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर भी जो आंसर दिया है बुक में वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है. इस चार ऑप्शन को पढ़िएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन सही होगा. दो ऑप्शन आप इसमें से बताइए. वर्किंग फ्लक्स वर्किंग ईएमएफ से उत्पादित होता है, जो फ्लक्स बोल रहा है वो ईएमएफ से उत्पादित होता है. दूसरा है वर्किंग फ्लक्स क्षेत्र धारा से उत्पादित होता है, मतलब फिर जो फील्ड करंट है IF इससे बोल रहा है कि फ्लक्स जनरेट होता है. तीसरा ऑप्शन है ईएमएफ लीकेज फ्लक्स से उत्पादित होता है. और चौथा है ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है, मतलब कि अगर फ्लक्स होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है. तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन होना चाहिए. यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, वर्किंग फ्लक्स चंद्रशेखर गुप्ता का आ रहा है ए और बी. पांच का रतन अमलेश का बी आ रहा है. हाँ बी तो बिल्कुल सही है, इसके अलावे बी सही है, अगर फील्ड करंट होगा तभी फ्लक्स जनरेट होगा. चंद्रशेखर का एक बी तो सही है, ए नहीं होगा. उसके बाद होगा अगर फ्लक्स होगा तो फिर ईएमएफ जनरेट होगा. ठीक है. फाई अगर होगा, फाई में अगर हम करंट को, मतलब कि अगर फ्लक्स है वहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रख दे तो वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा. अगर यहाँ पर फील्ड है नॉर्थ साउथ मान लेते हैं, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पर अगर हम कंडक्टर रख दे, हालांकि कंडक्टर फिर यहाँ पर रोटेट करना चाहिए या फिर हमारा जो फील्ड है वो भैरी होना चाहिए, तभी हम लोग ईएमएफ जनरेट कर पाएंगे. ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी लेंज लॉ. ठीक है. तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन सही है वो है बी और डी. किसका आया, चंद्रशेखर गुप्ता का. तो बी और डी यहाँ पर दोनों सही होगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्लोअर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सबको पता भी होना चाहिए. ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है, पंखा और ब्लोअर दोनों में कौन सा मोटर हम लोग लगाएंगे, डीसी सीरीज मोटर शंट मोटर या फिर कंपाउंड मोटर. कंपाउंड मोटर के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग को देखना भी है डिटेल से. ठीक है. इसका जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे हम चल करके देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. DCM और CCM मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, आगे देखेंगे इसका यूज भी देखेंगे. अभी आपको सिलेक्ट करना है इसमें से ब्लोअर और पंखा में हम लोग कौन सा मोटर यूज करेंगे, शंट करेंगे या फिर सीरीज करेंगे. और ए आंसर आया है चंद्रशेखर रत्न अमलेश का, बिल्कुल शंट. जहां पर भी स्पीड कॉन्स्टेंट रखना हो, जहां पर भी स्पीड कॉन्स्टेंट रखना हो वहां पर बेहिचक हम लोग डीसी शंट मोटर यूज करते हैं. और डीसी सीरीज जहां पर लोड काफी ज्यादा हो, ठीक है, लोड के साथ साथ टॉर्क इंक्रीज करना चाहिए. लोड अगर बढ़ रहा है तो टॉर्क भी बढ़ना चाहिए. इस टाइप के कंडीशन में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज कर देते हैं. यहाँ पर जो सही आंसर होगा शंट होगा क्योंकि यहाँ पर पंखा और मोटर
सॉरी पंखा और ब्लोअर दोनों का जो स्पीड होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जो शंट मोटर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सारा का स्पीड कांस्टेंट रहता है। फैन, ब्लोअर, लेदे, मिलिंग मशीन, केबल रील, ग्राइंडिंग मशीन, ये सारा जो है सबके सब में हम लोग डीसी शंट मोटर यूज करते हैं। और वहीं पर जब सीरीज की बात करते हैं तो होस्ट, विंच, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है, ट्रेन वगैरह, ये सब में डीसी सीरीज मोटर यूज होता है। और कंपाउंड मोटर, यहाँ पर एक टर्म याद रखना है, PLES। PLES से हुआ क्या, एल से तो लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एल से लिफ्ट हो जाएगा, ई से इलिवेटर होगा, और एस से हो जाएगा ये पेपर मिल के लिए, पी पेपर जो मिल होता है वहां पर हम लोग कुमुलेटिव कंपाउंड यूज करते हैं। और इसके बाद एस है, एस सियर एंड पंच, सियर एंड पंच, प्लीज ये वर्ड जो है याद रखिएगा, PLES। तो ये यहाँ पर ये जो चार है, लिफ्ट, इलिवेटर, सियर एंड पंच और पेपर मिल, ये चारों में हम लोग कंपाउंड मोटर यूज करते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इलिवेटर में हम लोग कौन सा कम्युलेटिव कंपाउंड यूज करते हैं, या फिर मतलब कि CCM यूज करते हैं या फिर DCM यूज करते हैं, कम्युलेटिव या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड। तो वो आगे हम लोग यूज के अनुसार जब इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इसका आंसर भी हम लोग को मिल जाएगा, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शुरू में डीसी मोटर में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। आर्मेचर गतिशील होता है, शुरू में मतलब अगर रुका हुआ है तो फिर आर्मेचर गतिशील तो नहीं होगा। देख लीजिए एक सिंपल सा है, यहाँ पर कोई दिमाग लगाना नहीं है, बस ऐसे ही आप इसका आंसर कर दे। 7 नंबर का, बैक EMF शून्य होता है, तो रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बैक EMF तो शून्य होगा ही, ये ठीक है। आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, आर्मेचर इसका क्या मतलब है कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस की हम बात करें आरए, तो एक कांस्टेंट रहता है, इसमें करंट को घटाया बढ़ा सकते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज वेरी कर सकता है। तो ये क्या स्टेटमेंट कहना चाहता है कुछ बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद है डीसी मोटर स्थिर होता है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है रुका हुआ हो तो उसको ये स्थिर लिखा है, तो कुछ ज्यादा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं, कंसेप्ट कुछ है नहीं। 7 नंबर, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आर्मेचर गतिशील होता है, ये निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं ए आंसर, आर्मेचर गतिशील नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो रुका हुआ होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है। तो आपको पता ही होगा मोटर में हम लोग बाएं हाथ का और जनरेटर में दाएं हाथ का, राइट हैंड रूल हो जाता है जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल हो जाता है मोटर के लिए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसके बाद आगे का आपको पता होगा, यहाँ पर जो मिडिल फिंगर है वो करंट को दर्शाता है, उसके बाद ए फील्ड को और ए मोशन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा फास्ट आंसर देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है। डीसी मोटर अगर झटके के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है। स्टार्टर फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ, स्टार्टर का कॉन्टेक्ट टर्मिनल खुरदरा, लाइन वोल्टेज बहुत ज्यादा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा 9 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टार्टर जनरली कभी कभी कभार पूछ देता है कि 2 पॉइंट या 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है ये डीसी सीरीज मोटर में, 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर में, और 4 पॉइंट स्टार्टर कंपाउंड उंड मोटर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर को। डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है, डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है। 9 का इसका जो सही आंसर है ए बी है, स्टार्टर कॉन्टेक्ट टर्मिनल खुरदरा, ये इसका सही आंसर है 9 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी है, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद काफी सिंपल है, मोटर की स्पीड किससे मापी जाती है, एमीटर, मेगा वोल्ट मीटर या फिर टेकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, मोटर की स्पीड किससे मापी जाती है, तो काफी सिंपल है, अमीटर करंट के लिए, मेगा हाई रेजिस्टेंस के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए, और टेकोमीटर स्पीड के लिए, तो इसका सही आंसर डी होगा, चंद्रशेखर का आया, प्रेमदीप पाल का 9 का आ रहा है अभी, तो 11 का डी होगा, चंद्रशेखर का आया है और साथ में रत्न अमलेश का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हिस्टैरिसीस लॉस सबसे कम किस पर निर्भर करता है, हिस्टैरिसीस लॉस
सबसे कम किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, आवृत्ति, मटेरियल या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर पर। तो हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला भी हम लोग को देख लेना चाहिए। ये जो होता है ये डिपेंड करता है वॉल्यूम भी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्टेज नहीं है बल्कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर एस्टेनमेंट एक्सपोनेंट, इसका रेंज 1.5 से 2.5 प्रीवियस टाइम भी हमने बताया था, और जो बी है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। तो इसमें टेम्परेचर हम लोग को कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। और रत्न अम्लेश का आंसर बी आया था, नहीं, फ्रीक्वेंसी पर ईडी करंट डिपेंड नहीं करता है। रत्न अम्लेश का आवृत्ति आया था, ये जो ईडी करंट हमारा होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हमने ड्राइव भी किया था पिछला जो जनरेटर वाला टेस्ट हुआ था उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 है, डीसी शंट मोटर में से किसके संचालन में किया जाता है। काफी सिंपल है, ट्रेन, होस्ट, कैन, ऑलरेडी आप जान चुके हैं, तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसका आंसर देने में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमदीप पाल का जो आंसर है वो काफी लेट आ रहा है, आप एक बार अपने वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, तब शायद एक साथ हो जाएगा। रत्न अमलेश का 13 का चंद्रशेखर का 13 का ए आ रहा है, रत्न अमलेश का भी ए आ रहा है, मशीन टूल्स, बिल्कुल क्रेन, ट्रेन, होस्ट ये सब में हम लोग सीरीज मोटर यूज करते हैं, ए इसका सही आंसर होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, किसी मोटर, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा। ठीक है, डीसी मोटर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या देख करके, फ्रेम, शाफ्ट, कम्यूटेटर या फिर स्टेटर। कम्यूटेटर देख करके पहचानते हैं, कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लोड बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल, शायद पहले देख चुके हैं, लोड बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होगी, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसका करेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग देखे पीछे, 15 का ए हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। एक्चुअली जो डीसी मीटर होता है, आप आंसर दें, हम थोड़ा सा इसको ड्राइव कर दे रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज भी सप्लाई करते हैं और जब ये रोटेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव पी एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए, मतलब कि बैक ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब ए रोटेट कर रहा होगा, एन पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर इनिशियली ये रुका हुआ है, स्टार्टिंग करने का बात कर रहा है, स्टार्टिंग के समय तो ये रुका हुआ रहेगा, मतलब कि यहाँ पर बैक ईएमएफ जीरो है, E इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आरए मान लेते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका आर्मेचर का। तो यहाँ पर जो करंट का वैल्यू होगा इनिशियली ये होगा I इज इक्वल टू वी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पर E स्टार्टिंग में जीरो है तो ए वी बाई आर, ठीक है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा E का वैल्यू बढ़ेगा और I डिक्रीज करना शुरू कर देगा, लेकिन इनिशियली तो E जीरो है, E जीरो है तो फिर I का जो वैल्यू होगा काफी ज्यादा होगा, ठीक है, और इस वैल्यू को कम करने के लिए काफी लोग आंसर सी आ चुका है, हम लोग स्टार्टर लगा देते हैं ताकि इनिशियल जो करंट हो वो कम हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होती है, स्थिर वोल्टेज जनरेटर, क्वेश्चन यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है। स्थिर वोल्टेज जनरेटर किस चीज का बात कर रहा है, कहना अगर डीसी जनरेटर की ये बात कर रहा है, ठीक है, तो डीसी जनरेटर में यहाँ पर बोल रहा है न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धारा, निम्न आंतरिक प्रतिरोध और उच्च आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब अगर हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस समझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली सिर्फ हम लोग का आर्मेचर होता है और आर्मेचर के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मोटर या फिर जनरेटर का, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को अगर हम कम समझे, इस रेजिस्टेंस को अगर हम आरए ज़ूम कर ले तो इसका जो वैल्यू होता है, मतलब कि इसको अगर हम आंतरिक प्रतिरोध कहें तो इसका वैल्यू जो होता है वो काफी कम होता है, फिर हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, 17 का सही आंसर सी होगा, और काफी लोगों का आंसर आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ क्या होगा, ठीक है, स्पीड को दुगना किया गया है और फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो ईएमएफ क्या होगा, फिर से 5PN/60 आप लोग आंसर दीजिए, और जिन लोगों को पता नहीं है उसके लिए 5PN/60 इंटू जेड बाई ए, मतलब कि ए स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, फाइव पर फ्लक्स पर भी डिपेंड, पर कॉन्स्टेंट है तो ई हम आ जा रहा है स्पीड के, ठीक है। और यहाँ पर दुगना हुआ है क्या, स्पीड दुगना हुआ तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, दुगना,
बी, और ए आया था रत्न अमलेश का, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आंसर ठीक कर ले। रत्न अमलेश इज इक्वल टू 5 PN/60 इंटू जेड बाई ए, यहाँ पर सारा कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट स्पीड, ठीक है, स्पीड को छोड़कर के सारा चीज कांस्टेंट है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन, और एन बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, एन घटेगा तो ईएमएफ घटेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये फॉर्मूला याद रखना है डीसी मोटर के दक्षता के लिए, यहाँ पर यांत्रिक दक्षता पूछ रहा है क्या होगा, 19 नंबर, यांत्रिक दक्षता क्या होगा। ऑप्शन है आउटपुट यांत्रिक शक्ति बाई उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बाई आउटपुट, ये आउटपुट और उत्पन्न में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जो रोटेशन के मतलब कि जो इनपुट हम लोग देते हैं, इनपुट देने के बाद वो मोटर क्या होगा हमारा रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद जो इसका स्पीड होता है वो स्पीड हम लोग आउटपुट में गेन नहीं कर पाते हैं, विंडेज लॉस, विंडेज और फ्रिक्शन लॉस जो होता है उसके वजह से ये दोनों डिफरेंट हो जाता है, इनपुट शक्ति और जो आउटपुट शक्ति है वो दोनों डिफरेंट हो जाता है, हमारा जो आउटपुट शक्ति होगा ऑलवेज लेस देन उत्पन्न शक्ति, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा विंडेज और फ्रिक्शन लॉस होगा, ये इसका सही आंसर है। और यहाँ पर साथ में यांत्रिक दक्षता हम लोग देख ही लिए, वैद्युतिक दक्षता भी याद रखना है उत्पन्न यांत्रिक शक्ति डिवाइडेड बाय इनपुट वैद्युतिक शक्ति, और व्यावसायिक दक्षता जो कि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बनाने समय आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते समय जनरली या फिर जब न्यूमेरिकल पूछता है तो वहां पर व्यावसायिक दक्षता ही पूछता है, ये हो जाता है आउटपुट यांत्रिक शक्ति डिवाइडेड बाई इनपुट, ये बिल्कुल आउटपुट और बिल्कुल इनपुट, जो आउटपुट हम लोग को स्पीड मिल रहा है वो, और इनपुट जो हम लोग वी आई देते हैं मोटर में, ठीक है। इसके अलावा मोटर की अधिकतम दक्षता होगी जब ताम्र क्षति स्थिरांक क्षति के बराबर हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है किसी कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेट, किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, तो पिछला बार भी हम लोग देखे थे लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, और एक स्टूडेंट का पिछला बार आंसर गलत आया था, आई थिंक इस बार किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है, आंसर बी 20 का रत्नमलेश प्रदीप पाल सारे लोगों का बी आना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित करते हैं, समान से अधिक गति के लिए, समान से कम गति के लिए, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर है और यहाँ पर फील्ड डाइवर्टर लगाया गया है, तो फील्ड डाइवर्टर आर्मेचर डाइवर्टर ये सारा कुछ देखेंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं फिर इसका आंसर कर लेते हैं। तो ये जो हमारा स्पीड कंट्रोल सीरीज मोटर की हम बात करें तो तीन तरीके से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, बस तीन ही याद रखना है, ज्यादा याद रखना नहीं है। स्पीड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डीसी सीरीज मोटर शंट मोटर का, तो यहाँ पर सीरीज के लिए तीन ही याद रखना है, सबसे पहले फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और फ्लक्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस चार तरीके से, फील्ड डाइवर्टर लगा करके, आर्मेचर डाइवर्टर लगा करके, टैप फील्ड कंट्रोल करके, और पैरेलिंग फील्ड कॉइल के जरिए। तो इसको पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, है क्या फील्ड डाइवर्टर और आर्मेचर डाइवर्टर, और इससे स्पीड कंट्रोल कैसे होता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है ये फील्ड डाइवर्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा फील्ड है, ये फील्ड है, और यहाँ पर एक डाइवर्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर हम कम करेंगे तो हमारा ये जो करंट है ये फील्ड में ला जाकर के इधर से डाइवर्ट होना शुरू करेगा, ठीक है, इस करंट को जितना कम करेंगे, सॉरी इस रेजिस्टेंस को जितना कम करेंगे करंट उतना ज्यादा इससे पास करेगा, और उतना ही कम इस सीरीज फील्ड से पास करेगा, और हमारा जो फ्लक्स होता है फाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे तो कुछ करंट इधर से पास कर जाएगा, ये जो करंट है फील्ड करंट आई एफ वो डिक्रीज कर जाएगा, जब आई एफ डिक्रीज करेगा तो हम लोग स्पीड क्या जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई बाई फाई। अब आई डिक्रीज करेगा तो फाई भी डिक्रीज करेगा, फाई डिक्रीज करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा फाई डिक्रीज करने से, ये हमारा जो होता है फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल होता है। उसके बाद दूसरा है आर्मेचर डाइवर्टर, यहाँ पर कैसे होगा, तो ये जो होता है एक कॉन्स्टेंट टॉर्क के लिए होता है, टॉर्क हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई के, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना है, पहला टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई, और दूसरा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बाई फाई, ठीक है। अब यहाँ पर टॉर्क जो है फाई इंटू आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसको हम लोग को कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक डाइवर्टर लगा दिए, तो अब तो आई ए यहाँ पर जो वैल्यू आई ए था पहले से, इसका कुछ पार्ट अब इधर से निकल जाएगा, ठीक है,
और ये जो आईए है रिड्यूस कर जाएगा, यहाँ पर आईए का वैल्यू रिड्यूस करेगा, ठीक है। जब आईए रिड्यूस करेगा तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए फाई क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए फाई हमारा इंक्रीज करेगा, और जब फाई इंक्रीज करेगा तो स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड तो हम लोग जानते हैं ई बाई फाई, ठीक है। यहाँ पर फाई इंक्रीज किया है तो फाई की इंक्रीज करने से स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा करके इसके स्पीड को हम लोग कम कर लेते हैं। रतन अमलेश बोल रहे हैं बैक टेस्ट जिसमें 40 क्वेश्चन थे उसका रिजल्ट कब देंगे, तो उसका रिजल्ट आने वाला समय में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा हमको, समय निकाल करके उसका दे देंगे। और प्रीवियस का मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था, जो आरआरबी वाला टेस्ट था उसका मैंने कर दिया था, इसे पीछे वाला का रिजल्ट अपलोड करना है। तो ये दोनों आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो नॉर्मल स्पीड होता है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्पीड इंक्रीज किया था, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने से स्पीड इंक्रीज किया था, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज किया था। तो ये जो होगा नॉर्मल स्पीड से ऊपर जब स्पीड हो बढ़ाना हो तब हम लोग यहाँ पर फेल डाइवर्टर यूज करते हैं। यहाँ पर समान से अधिक गति के लिए हम लोग फेल डाइवर्टर यूज करेंगे। 21 का सही आंसर ए होगा और आया भी लोगों का। और उसके बाद दो और बच गया, ठीक है। इसके बाद है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल में हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग लगा होता है यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सप्लाई ना दे करके यहाँ पर टैपिंग कर देते हैं, और टैपिंग जैसे जैसे घटाएंगे और बढ़ाएंगे उस तरह से यहाँ पर फील्ड करंट घटेगा और बढ़ेगा, और हम लोग का जो स्पीड होगा इसका वो कंट्रोल होगा। और उसके बाद था पैरेलिंग फील्ड कॉइल। पैरेलिंग फील्ड कॉइल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फील्ड कॉइल है वहाँ पर पैरेलल में हम लोग 2, 3, 4 जितना जैसा स्पीड हम लोग को चाहिए वैसा लगा सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा हमारा मोटर से, ठीक है। और उसके बाद है वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ आर्मेचर। हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हमारा फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पर है आर्मेचर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीरीज में एक ठो रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या होगा, ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, पहले जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो टोटल यहाँ पर आर्मेचर के अक्रॉस था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ लिए तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर लॉस होगा, मतलब ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, उसके बाद कुछ वोल्टेज यहाँ पर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हम लोग वोल्टेज रिड्यूस कर दिए, जो वोल्टेज था वो रिड्यूस कर दिए यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके। और जब वोल्टेज रिड्यूस होगा तो हम लोग जानते हैं स्पीड होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई बाई फाई, और ई जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी माइनस आई इंटू आर, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज वी है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर ई है, ठीक है। तो वी माइनस आई आर जो होता है वो होता है ई के बराबर, मतलब कि वोल्टेज जब रिड्यूस होगा तो ई रिड्यूस होगा, और ई रिड्यूस होगा तो हम लोग का स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ए कंट्रोल होगा। और उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज पैरेलल कंट्रोल, ठीक है। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट में वार्ड लियोनार्ड और सीरीज में ए, सीरीज पैरेलल कंट्रोल, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक मोटर है, ठीक, एक लाइन है, यहाँ से मेन वोल्टेज सप्लाई किया गया है, और वोल्टेज सप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम लोग मोटर को क्या करते हैं, दो मोटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, मोटर वन और ए मोटर टू, ठीक है। और जब यहाँ से वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये जो वोल्टेज होगा दोनों के अक्रॉस हाफ हाफ बढ़ जाएगा, वी बाई टू और यहाँ पर भी वी बाई टू, ठीक है। आधा आधा वोल्टेज बढ़ गया तो स्पीड हम लोग देखें कि जो वोल्टेज घटने या बढ़ने से जो स्पीड है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, एन जो होगा ई बाई फाइव होगा। और हम लोग क्या देखें, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी का, मतलब कि वी के घटने, ई के घटने बढ़ने से, सॉरी वी के घटने बढ़ने से ई भी घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज वी बाई टू हो जाएगा तो ई भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ई बाई टू। और जब ई बाई टू हो जाएगा तो हम लोग का जो स्पीड था वो था ई बाई फाई, अब ए हो जाएगा ई बाई टू इंटू फाई, फाई के जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं क्योंकि फाई हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग लिख दीजिए, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, मतलब कि अब जो स्पीड हो गया ई बाई टू आई ए हो गया। रतन अमलेश कह रहा है सर जी मेरा अप्रोक्स 68 है और जनरल कैटेगरी से हूँ, चांस कितना परसेंट है? तो 68 आई थिंक BSPSL के लिए ठीक ठाक स्कोर हो सकता है, ठीक है। हालांकि अभी कुछ कह पाना डिफिकल्ट है, हमको जहां तक लगता है 68 से 73 के बीच कट ऑफ जा सकता है।
और एक चीज और बोलना था, बीएसपीसीएल का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अगर आप लोग के पास है, क्योंकि अलग अलग पाली में हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, तो आप लोग उसे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें 9147786396, उसका जो क्वेश्चन है इसके साथ ही जो टेस्ट ले रहे हैं इसके साथ ही इंक्लूड करके उसे भी डिस्कस कर देंगे और वो पेपर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर बीएसपीसीएल का किसी के पास है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है तो आप लोग हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आई थिंक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्पीड पर। उसके बाद पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए थोड़ा सा जगह हमको निकालना होगा और डिफरेंट कलर यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग पैरेलल में यूज करें, ठीक है, वोल्टेज भी यहाँ पर सप्लाई किया हुआ है, पैरेलल में यूज करेंगे तो ये जो मोटर होगा इसका जो करंट होगा, मोटर M1 और नीचे मोटर M2, ये जो करंट है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा तो हम लोग देख रहे थे हमारा जो E था यहाँ पर, हमारा जो E था सॉरी स्पीड जो था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E बाई फाई, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, I तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E बाई I के जगह पर I बाई टू, ठीक है, तो 2E बाई आई, इस तरह से इसका स्पीड वेरी कर जाएगा, ठीक है। रथ अमलेश आपके पास चार्ट शीट है तो आप श्योर उसको भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां से हम जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे इस टेस्ट में, इससे वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे।